चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जो है, आपको बता दें कि आज से 10 जुलाई तक राजस्थान के प्रवास पर हैं। आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत शताब्दी एक्सप्रेस से जयपुर पहुंचे हैं और यहां पर क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम और क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने मोहन भागवत का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्र संघ संचालक डॉक्टर रमेश ने बताया कि संघ प्रमुख दोपहर तक भारतीय भवन में ठहरेंगे और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे चूरू के लिए प्रस्थान करेंगे। चूरू में रात्रि विश्राम करेंगे और 3 जुलाई को सुबह 9 बजे चूरू से रतनगढ़ पहुंचेंगे। यहां ज्ञान मंदिर में 13 पंथ संघ के आचार्य महाश्रमण से वार्ता करेंगे। दोपहर 12 बजे रतनगढ़ से चूरू के लिए प्रस्थान करेंगे। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विष्णु, पूरा कार्यक्रम जानना चाहूंगी मैं आपको बता दूं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये अहम दौरा है और सर संचालक 10 जुलाई तक यहाँ राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के तहत आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे स्टेशन के बाद वो भारतीय भवन रवाना हुए पूरी सुरक्षा के साथ और अब दोपहर को यहाँ से चूरू जाएंगे और चूरू में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार को कल सुबह वो 9 बजे चूरू से रवाना होकर रतनगढ़ पहुंचेंगे जहाँ 13 पंथ के आचार्य महाश्रमण से मिलेंगे और करीब 2 घंटे उनकी मुलाकात होगी। विभिन्न जो समसामयिक विषय है, धार्मिक चर्चा रहेगी और उसके बाद जो वर्तमान में हालात है उनसे चर्चा होगी। उसके बाद वो वापस चूरू आएंगे और चूरू में रहेंगे। इसके बाद 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो झुंझुनू में रहेंगे। आपको बता दें कि झुंझुनू में 7 से लेकर 9 जुलाई तक संघ के प्रचारकों की बैठक है, अखिल भारतीय प्रचारक बैठक है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, साल में एक बार बैठक होती है प्रचारकों की। कुल 3 बड़ी बैठकों में से एक बड़ी बैठक है और उस बैठक में देश भर के जो प्रांत प्रचारक हैं और 6 प्रांत प्रचारक हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो अखिल भारतीय विभिन्न संगठनों में अखिल भारतीय सदस्य हैं, प्रचारक हैं। ये दौरा है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।